सो हेलो गाइस, स्वागत है आपके कैसी डांसोरिक्स वीडियो में। तो यार आज हम बताने वाला हूँ मैं अपने आपको। तो यार जिन बंदों को मेरे साथ खेलना है वो ये देख सकते हैं, मेरी आईडी वाईडी सब यहीं पे ही है। तो आप मेरी आईडी कॉपी करके मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं संडे तक, जिसकी भी मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी मैं सबको एक्सेप्ट करने वाला हूँ। और बाकी जितने भी मेरे पास बेकार फ्रेंड्स हैं, मतलब बेकार फ्रेंड्स तो नहीं, जिनके साथ जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जिनके साथ मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, उनको मैं अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटा देने वाला हूँ। ऑफकोर्स डीजे लोग वाले बंदों को तो नहीं हटाऊंगा। और इसके मुझ कैसे हो गए भाई, ये पीछे की हो गए। तो अगर अपने बारे में बात करी जाए तो मेरे पास करेक्टर्स में हयांटो और हयांटो फायर बैंग है। ऑफकोर्स हयांटो फायर बैंग आप तभी ले सकते हो जब आपके पास हयांटो हो, जैसे कैली का होता है, और कैली मेरे पास है। और बाकी बात करूँ तो मेरा वुल्फगैंग उड़ चुका है, जिसकी मदद से आप देख ही सकते हो कि मेरी पूरी आईडी उड़ी है, ठीक है। और मेरे पास कैली अवेकन थी और ना वो भी उड़ चुके हैं, मतलब है। और अब मैं कली को एवेकन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कलेक्शन की बात करी जाए तो कलेक्शन में मेरे पास बहुत कम चीज़ें हैं। इमोट भी नहीं है, व्हीकल की स्किन भी नहीं है, बैकपैक भी नहीं है, ठीक है। और बैकपैक है, बैकपैक की है, लूट बॉक्स की भी नहीं है, और सफर बोर्ड की है एक, और पैराशूट की भी एक ही है बस, पिन सेम है, और अवेटर्स तो एक ही वाला है, और बैनर्स तो मेरा सीजन 19 गोल्ड बैनर है, ठीक है। और अब अगर बात करी जाए कि मेरी गन स्किन्स की, तो मेरे पास कोई भी ईवीडी जो गन्स होती हैं वो नहीं है, ठीक है। और बाकी मेरे पास ये वाली गन है, X4AI की स्किन है मेरे पास, और AK की स्किन है मेरे पास, ये परमानेंट है। ये बहुत सारी मेरे पास भर भर के स्किन्स है, यस गाइस किसी को बताना मत, नहीं तो सारे मेरे लूटने आ जाएंगे कि स्किन्स दो, ठीक है। इसकी ये परमानेंट वाली स्किन है, इसलिए मैंने इसको एक्टिव कर रखा है। स्कार की परमानेंट स्किन है, ये डाउनलोड ही नहीं कर रखी स्किन स्किन तो। और बाकी फैम उसकी डस्ट स्किन है जो कि मैंने डाउनलोड कर रखी है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, जिसकी वजह से आप जान सकते हो कि मेरी सच में आईडी उड़ी है। ओके, ये भी उसी की तरह है, लेकिन ये गोल्डन नहीं है पूरी, ये पैंथर फेमस है थोड़ी सी, ठीक है। इसकी डाउनलोडेड स्किन नहीं है, ये MP5 तो भाई उस कोरनो वाले में मिली थी, बहुत ओपी है। और ये भी कुछ उसी टाइम पे मिली थी, लेकिन ये मेरे को बॉक्स में से मिली थी, मेरे को जैसे 3 लूट क्रिएट्स नहीं मिल रहे थे, और मेरे को ये परमानेंट स्किन निकल गई, भाई वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। और बाकी मेरे पास किसी भी चीज़ की परमानेंट नहीं है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, देख सकते हो भाई किसी भी चीज़ की परमानेंट नहीं है। और प्रैंक की है जो कि मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है, ठीक है, वो तो आप सभी को पता ही लग गया होगा। और वैसे भी वो कोर्नो में मिल रहा था फ्री में, तो फ्री की चीज़ें भाई कौन छोड़ता है, ठीक है। अब अगर बात करी जाए कि मैंने 3 किल जो कटारा से थे वो कैसे करे, भाई मैं खेल रहा था रैंकेड, सच्ची सच्ची बात बताता हूँ, नहीं उससे पहले मैं खेसचूर से बताता हूँ। जो वो एक मैप आए थे ना चूज वन वाला, कलहारी में होता था वो खेल रहा था, उसमें मेरे 2 किल तो कटारा से ही निकल गए। मैं वो यार सो ओके गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ। और यस गाइस, मैं ये बता रहा था कि 2 तो मैंने किल्स कलहारी पे ही कर दिए थे, जो चूज वन वाला मैप आया था। अगर जो पहले के प्लेयर्स होंगे उन्हें पता होगा कि कौन सा वो मैप था, ठीक है। और अगर मैं आपको एक किल की बात बताऊँ तो भाई मैं खेल रहा था रैंकेड, मेरे को लगा अच्छे अच्छे बंदे आएंगे, मेरे पास थी कटारा, भाई एक ऐसा बंदा मिला ना, भागे जा रहा, उसके पीछे मैं कटारा लेके पड़ा हुआ, उसके बजाए जा रहा, मर ही नहीं रहा भाई, और पीछे से आके किसी ने गोलियों से उसे मार दिया, भाई लॉल हो गया मेरे साथ। उस गोली वाले बंदे को मैं मारने चला गया भाई, तो उसके पास तो मतलब उस बंदे के पास नहीं जिसको मैं शुरू में मारना चाहता था,